अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं बैठा हूँ अपने पार्क में, लाइट का थोड़ा सा इशू है, काफ़ी देर से लाइट गई है, तो मैंने सोचा कि चले पार्क में जो है वो रिकॉर्डिंग आज कर लेते हैं। तो थोड़ी सी धूप अगर आपको फील भी हो तो माइंड कीजिएगा। सुबह के इस वक्त जो है वो 10 बज चुके हैं और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो असल में है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। जब से मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है और मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं दुबई के हवाले से और तुर्की के हवाले से, तो मुझे काफ़ी सारे जो है वो फेसबुक के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आए कि हमें ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था तो मैं नहीं उनको आंसर कर सका। तो आज की इस वीडियो में जो है वो मैं तफसील से तमाम सवाल के जो जवाब आते हैं वो मैं आज आपको दूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आपको जो है वो तो हम उनसे थोड़ा सा बैठ के इसको सुनना भी पड़ेगा। तो अभी मैं आपको पहला, मैंने असल में ना कुछ सवाल आज जो हैं वो लिख के रख लिए हैं मैं अपने पास कि मैं भूल ना जाऊं। तो उन हजरात को जिन जिन ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं तो मैंने पेज पे लिख लिए हैं तरतीब वाइज, और मैं क्वेश्चन रिपीट करके आपको जो है वो उसका आंसर दे दूँगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरे जवाब आज जो हैं वो तसली बख्श लगेंगे। तो जी पहला सवाल है, एक साहब ने पूछा है कि जी दुबई की एक माह की वीज़ा फ़ीस कितनी है। तो भाई साहब, जो एक माह की दुबई की वीज़ा फ़ीस है पाकिस्तानी रुपए में वो इस वक्त 15,000 रुपये है। एजेंट्स जो हैं वो कोई 30 ले लेता है, कोई 35 ले लेता है, कोई 24-25 इस तरह, जिसका कोई दाल आ गया, जिसका लगा लिया एजेंट ने तो वो उससे पैसे ले लेता है। लेकिन जो आप प्रॉपर फ़ीस आपको मैं बता रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट दुबई के मुताबिक वो पाकिस्तानी 15,000 रुपये है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा जी कि 3 माह का जो वीज़ा है उसकी कितनी फ़ीस है। तो 3 माह की जो वीज़ा फ़ीस है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसको डिटेल में बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। तो 3 माह की जो वीज़ा फ़ीस है पाकिस्तानी रुपए में वो 40,000 से लेके 44,000 के दरमियान है, चूँकि वो रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे उनका होता रहता है दिरहम का डॉलर की वजह से, तो इसलिए मैं एस्टीमेट बता रहा हूँ। लेकिन 40,000 तो कन्फर्म है, तो ऊपर 3-4 हज़ार आप रख सकते हैं, वो आपको मैंने बताया कि डॉलर की वजह से ऐसा है। 3 माह का वीज़ा मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है, सिंगल आदमी हो तो उसको भी मिल जाता है। जो 21 साल से नीचे अगर कोई लड़की है सिंगल वीज़ा अप्लाई करती है तो उसको विजिट वीज़ा दुबई का नहीं दे रहे, वो उन्होंने अपना एक थोड़ा सा ला चेंज किया है, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो वीज़ा जो है वो दुबई का आसानी से लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन भी किसी ने मुझसे पूछा था कि इसमें रिजेक्शन का कितने चांस है। तो दुबई के रिजेक्शन चांस बहुत ही कम है, 99.99% वीज़ा लग जाता है और कोई इसमें बहाम नहीं किसी को करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं टेक्निकल एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि 2.5 लाख रुपया पाकिस्तानी जो हैं वो उनसे चेक, जिस बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना है उसका चेक या उससे जो है वो करेंसी अपने पास गारंटी के तौर पर रखते हैं। उसकी रीज़न एक ये है कि अगर वीज़ा लग जाता है किसी भाई का, वो वहाँ पर जाता है और वो वापस नहीं आता, तो जो दुबई गवर्नमेंट है वो जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आया होता है, जिनके पास लाइसेंस है, जो वीज़ा इशू करवाते हैं दुबई से बैठ के पाकिस्तानी एजेंट से रबते में होते हैं, उन लोगों को देते हैं। तो अगर वो बंदा वापस नहीं जाता तो उसकी फ़ीस, फ़ाइन की फ़ीस जो है वो 7,000 दिरहम है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 लाख रुपये के करीब जो है वो बन जाता है, तो वो उसके फिर वसूल करते हैं। अगर उसी ट्रैवल एजेंसी से 2 बार ऐसा हो जाए तो उसका वो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। इसलिए सिक्योरिटी के तौर पे जो लोग हैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी एजेंट हैं वो क्या करते हैं पाकिस्तानी लोगों से, लड़कों से ख़ास तौर पे, कि उनसे 2.5 से 3.25 लाख के दरमियान जो है वो अपने पास अमाउंट रख लेते हैं कि भाई साहब आपका वीज़ा लग गया है, आप जाएँ विज़िट पर, विज़िट करके वापस आएँ और हमसे आकर जो है वो अपने पैसे वसूल कर लें। उनको ये श्योरिटी होती है कि यार इसने पैसे अपने हमें दिए हुए हैं तो ये डेफिनेटली वापस आएगा। बहुत ही कम ऐसा केस होता है कि जिसमें बंदा स्किप हो जाए दुबई के अंदर। एक तो उनके लॉ बड़े सख्त हैं, फिर वहाँ गैर कानूनी तरीके से रहना इतना आसान काम भी नहीं है। पहले 4-5 साल पहले ऐसा चल जाता था, लेकिन अब नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि इलीगल बंदा अगर कहीं भी जॉब के लिए जाता है तो चूँकि कफील ने तो अपना पासपोर्ट रखना होता है, उसका बंदे का पासपोर्ट अपने पास रख लेता है, उसमें तो वीज़ा ही नहीं, तो वो क्या कफील उसको दे, कफील तो ख़ुद जो है वो पकड़वा देता है।
कि ये बंदा इलीगल है हमारे पास, हमेशा इलीगल बंदे को वही नौकरी देगा जिस कंट्री का से बिलोंग उसका कोई शहरी वहाँ पर बैठा है, किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर, कपड़े का जो काम करते हैं दर्जी टाइप, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो फास्ट फूड की कोई चेन है उसके अंदर, होटल के अंदर, इस तरह के छोटे मोटे जो पब्लिकली काम जाहिर नहीं होते उस तरह के जो है वो इलीगल अदरात काम करते हैं ताकि वो लोगों की नज़रों में ना आए और महफूज रहें, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं। वहाँ का बहुत सख्त सिस्टम है और एक बार जो आदमी पकड़ा जाए दुबई के अंदर इलीगल स्टे, ओवर स्टे, इलीगल रह रहा है, इलीगल काम कर रहा है, उसको वो फौरन डिपोर्ट कर देते हैं और ता हयात उसके ऊपर जो है वो बैन लगा देते हैं। इसलिए मेरा ये मशवरा है उन हज़रात को जो दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो काम करना वहाँ चाहते हैं, तो भाई मेरे पहले तो आप विजिट वीज़ा पर जाएं, एक माह का बिल्कुल ना लें। जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने विजिट पर जेन्युइन जाना है, सिंगल जाना है, फैमिली के साथ जाना है, फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है, जाना है उन्होंने, तो वो एक माह का उनके लिए ठीक है, वापस आ जाए। जिन्होंने काम करना है वो तीन माह का लें। उसकी रीज़न एक ये है कि अगर आपको एक माह में जॉब नहीं मिलती, आप सीवीज जो हैं वो ड्रॉप किए जा रहे हैं, हर जगह इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही, तो वीज़ा तो आपका एक माह का, एक माह से मतलब 28 दिन का, 29वें दिन आपने वहाँ से जाना होता है, आप वापस आ गए, आपको तो जॉब नहीं मिली, वीज़ा ख़त्म हो गया, आपको वापस आना पड़ेगा। तीन माह का जो है उसको लगवाना चाहिए उन हजरात को, ये मेरा मशवरा है कि जिन्होंने जॉब करनी हो तो। अच्छा, जॉब में कि ये थोड़ा सा इशू है, मुझे एक भाई ने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई दुबई के अंदर जॉब जो है वो आसानी के साथ मिल जाती है कि नहीं मिलती। इसके ऊपर मैं डिटेल से कभी एक अलग एक वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ अब उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं बस थोड़ा सा आपको इसका आंसर देता जाऊँ कि दुबई में जॉब जो है वो आसानी के साथ नहीं मिलती। उसकी दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि दुबई के अंदर जो है वो इंडियंस जो हैं वो काफ़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, उसकी भी एक रीज़न है कि जो काम पाकिस्तानी जो बंदा है अगर लेट्स सपोज के वो 1500 दिरहम में कोई काम करता है तो इंडियंस जो है वो 1000 दिरहम में कर देता है। तो इस तरह जो है वो अरबी जो है उनको कफील जो होता है उसको सस्ती लेबर पड़ जाती है। बांग्लादेशी जो है वो इंडियन से भी नीचे लो लेवल के ऊपर काम कर लेता है, यानी कि वो 600 ले लेगा, 700 दिरहम ले लेगा, तो वो मालिक जो है उसको तो फ़ायदा है इस तरह की लेबर का। तो पाकिस्तानी जो मैंने वहाँ देखे हैं, मैं इतना सवार रहा हूँ, काम भी मेरा अपना था रियल इस्टेट का, मैंने ये चीज़ 4-5 साल वहाँ ऑब्ज़र्व ये की कि एक तो पाकिस्तानी जो हैं वो आकड़ खां बड़े होते हैं, और जी मैं नहीं ये करना, ये मुझे नहीं सूट करता काम, ये मेरा स्टेटस नहीं है, चाहे मैट्रिक पास ना हो, तो लेकिन वो एक एटीट्यूड वहाँ दिखाते हैं, तो इनको तो काफ़ी मुश्किल से जो है वो जॉब मिलती है। दूसरा, जॉब किनको मिलती है, सिफारिश है किसी के पास। दुबई में अगर आपके पास एक तो है ना स्किल है, और वहाँ पर एक घुमसान का रश लगा हुआ सीवीज का, डिफरेंट कंट्री से आए हैं, तो वहाँ पर आपके फिर सिफारिश चाहिए होते हैं। सिफारिश के बगैर दुबई में जो अच्छी नौकरी है वो तो बिल्कुल नहीं मिलती, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। सिफारिश के बगैर दुबई में अच्छी जो नौकरी, अच्छी नौकरी से अब क्या मुराद है कि जिसकी सैलरी 5000 दिरहम या उससे ऊपर हो उसको अच्छी सैलरी का जॉब या अच्छी सैलरी जो भी आप इसको कह लें वो बेस्ट है उन हजरात के लिए वहाँ पर स्टे करने के लिए जो लॉन्ग टर्म वहाँ पर रहना चाहते हैं। सिफारिश है 5000 से ऊपर उसकी, 5000 दिरहम उसकी सैलरी है तो भाई वो ठीक है, सिफारिश होगी तो नौकरी मिलेगी, ये मैं फिर बता रहा हूँ, सिफारिश नहीं है तो नौकरी आपको बिल्कुल जो है वो नहीं मिलेगी। सीवी ड्रॉप करते रहे करते रहे करते रहे, मैंने बड़े बड़े वहाँ पर PhD, MPhil और MBA, वो पता नहीं वो BBA, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारे फ़ारग देखे, कुछ भी नहीं। और जो ग्रेजुएशन इंटर लेवल के लोग हैं उनको मैंने जो है वो अच्छी खासी सैलरी जो है वो लेते हुए देखा, क्यों, उनके पास थोड़ा सा यानी कि एक उनको रिलेशंस थे, कोई रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे जो उनसे पहले वहाँ दुबई में बैठे थे और उनका एक तल्लुक था वहाँ, तो उनके थ्रू जो है वो सिफारिश करवा के वो एंटर हो जाते हैं ईजीली। और ये एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो अब मैंने रिसेंटली एक चीज़ देखी थी कि जुम्मा के बाद
मसाजिद के बाहर कुछ पाकिस्तानी हजरात ऐसे हैं, अभी रिसेंटली मैं होकर आया था दुबई तो मैंने ये चीज़ वहाँ देखी भी थी और मुझे खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा कि पाकिस्तानी हजरात एक उन्होंने ऐसी कम्युनिटी बनाई है कि जुमा की नमाज़ के बाद वो डिफरेंट तीन तीन चार चार बंदे जो हैं वो जामे मस्जिद के बाहर जो है वो जुमे वाले दिन वो बाहर होते हैं जुमा की नमाज़ के बाद, और वो पाकिस्तानी जो हजरात हैं जो बेरोज़गार हैं, विज़िट पर आए हैं, नौकरी नहीं मिल रही, स्किल्स है उनके पास, एक्सपीरियंस है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, उनको वो वहाँ पर वो ऐलान करते हैं जी कि जो हजरात जिनके पास जॉब नहीं है तो वो हमें अपनी CV दें, हम जो है वो उनकी हेल्प करवाएंगे। एक बंदा नया जाता है, उसका कोई जानने वाला नहीं है दुबई के अंदर, तो उसको तो मालूम ही नहीं है कि मैंने रास्ता किधर जाना है, मैंने CV कहाँ ड्रॉप करनी है, इंटरव्यू का क्या सीन होगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके प्रोफेशन के लिहाज से, अनवे बिल्कुल पता नहीं उसे, तो फिर ऐसे हजरात वहाँ पर जो है वो काम आते हैं। तीसरा जो है वो आजकल ये बड़ा एक फ्रीलांस का जो काम है दुबई के अंदर, इसके बारे में मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि दुबई के अंदर फ्रीलांस का क्या सीन है जी। तो फ्रीलांस जो है वो पहले दुबई के अंदर चलता था लेकिन और तरीके से चलता था, आप इस तरह कह लें कि एक बंदे ने अपना वर्क वीज़ा लिया हुआ है और वो अपना ड्यूटी टाइम ख़त्म करने के बाद जहाँ भी वो काम करता है घर आता है, घर से मुराद अपने अपार्टमेंट फ्लैट में आता है या कोई बेड स्पेस है हॉस्टल के अंदर ली हुई है, कोई रूम लिया हुआ जिसने अपना, तो वो वहाँ पर बैठ के अपना लैपटॉप जो है वो ओपन करता है और डिफरेंट जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, कंपनी से अपना काम जो है वो लेता है कि अपना वो पेश करता है अपनी CV वगैरह, अपनी जो भी उसकी स्किल्स है उसकी, तो लोगों को ऑफ़र करवाता है ऑनलाइन, तो कंपनी जो है उसको फिर वो काम देती हैं जी, हमारा ये कर दे काम, हमारा ये काम कर दे, तो उसको काम उसको करके वो देता है। पहले 2019 तक ये वहाँ पर 19 से पहले वहाँ पर ये इलीगल समझा जाता था कि आप अगर आप एक वीज़ा लिया हुआ आपने वर्क परमिट दुबई के अंदर आपने काम कर रहे हैं तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, ये वहाँ का लॉ है कि आइए आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने फ्रीलांस जो है उसको लीगल कर दिया है, एक प्लेटफार्म बना दिया है। कैसे? अब दुबई गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम जो है फ्रीलांस परमिट देंगे, इजाज़त है काम करने की। एक बंदा वर्क वीज़ा लिया है, वो काम कर रहा है, लोग समझते हैं कि शायद फ्रीलांस के लिए उसको दूसरा वीज़ा लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एजेंट ऐसा कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। वर्क वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, वो आज़ाद वीज़ा की तो सीन ही थोड़ा सा और ना, मैं पहले वर्क वीज़ा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक बंदे के पास वर्क वीज़ा है और वो फ्रीलांस काम करना चाहता है, अब दुबई गवर्नमेंट उसे ये कहे कि आप हमारे पास आएँ, रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस लें, परमिट लें, उसकी जो फ़ीस है वो 7500 दिरहम है एक साल की, हर साल वो कहते हैं हम आपको एक्सटेंड करके देंगे, एक्सटेंड की जो फ़ीस है वो 2500 दिरहम उन्होंने रखी है, साल के बाद आपने इसको रिन्यू करवाना उस परमिट को। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन है कि लोग समझे कि मुझे एक फ्रीलांस का परमिट मिल जाए तो समझे कि ये मेरा ही वर्क वीज़ा है और मैं इस पर दुबई में स्टे कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वहाँ पर फर परमिट फ्रीलांस के ऊपर उसको PR तो भूल जाए ना, अरबों में तो वैसे ही नहीं मिलता, उसका वीज़ा नहीं है समझे, उसको वीज़ा लेना पड़ेगा किसी कंपनी का वहाँ पर स्टे करने के लिए। रिन्यू की फ़ीस मैंने आपको बता दी, वर्क परमिट फ्रीलांस का मैंने आपको उसकी भी फ़ीस बता दी, आप काम कर सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल मार्केट है, इस्तांबुल जो है वो भी इंटरनेशनल मार्केट है फ्रीलांस के हवाले से, वहाँ से बहुत काम आता है। दुबई में तो वैसे ही बहुत, मैंने जब वहाँ रहता था तो मैंने देखा था कि लोग इसको करते थे छुप छुपा के ना कमरों में लाइट ओपन करके, तो वो फ्रीलांस का काम करते थे और उनको अच्छे खासे जो है वो पैसे मिल जाते। उसकी रीज़न है कि ये इंटरनेशनल मार्केट है दुबई, UAE इसकी रास्ते हैं 6, उसमें से एक दुबई है, दुबई जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो बहुत सारी वहाँ पर हैं काम करती हैं, और इस तरह जो फ्रीलांसर के लोग हैं जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं मार्केटिंग है उनको बड़ा बेनिफिट होता है, इसलिए लोगों का ज़्यादा रुझान दुबई में होता है फ्रीलांस के हवाले से। आगे जी क्वेश्चन पूछा है जी, आज़ाद वीज़ा कितने का मिलता है? ये गालबन सलीम साहब हैं गुजरांवाले से, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आज़ाद वीज़ा दुबई का कितने का मिल जाता है।
जो आज़ाद वीज़ा है उसका मतलब ये है कि दुबई के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है आज़ाद वीज़े का। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर इसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं। आज़ाद वीज़ा क्या है? आपने किसी कंपनी से कोई वीज़ा लिया है, वो आपको अमाउंट बताता है कि इस वीज़ा की इतनी फ़ीस है। आपने मैनेजर रैंक का चाहिए आपको वीज़ा, सेल्स एग्जीक्यूटिव का चाहिए, सेल्स का चाहिए आपको, ऑफिस मैनेजर का चाहिए, वो आपसे डिमांड करते हैं भाई इतने पैसे दे दे, मैं आपका अपनी कंपनी से वीज़ा निकलवा देता हूँ, आप ड्यूटी पर ना आएँ, हर महीने जो है वो सैलरी आप हमें दे दें, हम आपके अकाउंट जो कंपनी के थ्रू उसका अकाउंट बनेगा, हर चीज़ यानी कि जैनवन तरीके से होगी, पैसे आप हमें दें, जो मैनेजर की सैलरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी, ऑफिस मैनेजर या जो भी आप स्टेटस लगवाना चाहें वहाँ पर, क्लर्क रैंक है, कुछ भी आप स्टेटस लगवाना चाहें, उस हिसाब से सैलरी जो उस कंपनी रखी होती है तो वो आपको वहाँ खुद से पे करनी पड़ती है, और आपने हर महीने वहाँ पर सैलरी उनको देनी होती है, वो आपके अकाउंट में डालते हैं, आपने खुद ही जाकर निकलवानी होती है, ये शो करने के लिए कंपनी इसको हर महीने इस बंदे को सैलरी दे रही है, वहाँ काम कर रहा है। दुबई के अंदर ये वर्ड आज़ाद वीज़ा वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इलीगल है, लेकिन हम लोग इसको करते हैं लीगल बना के उसको तरीके से। पाकिस्तान में जो है, इंडिया में तो बहुत ही फ्रॉड होता है ना आज़ाद वीज़े के नाम पर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंडियन से दुबई में मिला, उन्होंने मुझे बहुत स्टोरियाँ सुनाई, वहाँ तो पाकिस्तान से ज़्यादा फ्रॉड है। मैं पाकिस्तान से बताता हूँ, पाकिस्तान क्या कहते हैं जी, ऐड आ गया अखबार के अंदर या आपको किसी रेफरेंस से पता चल गया कि फलाना ट्रैवल एजेंट जो है वो आज़ाद वीज़ा दिलवाता है, लोग क्या करते हैं जी हमें दिलवा दें आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा के तीन मैं आपको चीज़ें बताता हूँ उसकी। उन हजरात के लिए आज़ाद वीज़ा सबसे अच्छा है जिन्होंने आगे यूरोप जाना है लीगल तरीके से। वो कैसे? आप किसी कंपनी से आपने आज़ाद वीज़ा ले लिया, वहाँ विज़िट पर गए महीना का लिया आपने, और किसी कंपनी वो मिल जाते हैं वहाँ पर, आप किसी रूम में रह रहे हैं, बेड स्पेस लिए हुए हॉस्टल के अंदर, सो जान पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले, उर्दू बहुत चलती है वहाँ दुबई के अंदर, समझ आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एजेंट वैसे ही आपको ढूंढ लेते हैं कि हमसे ले लें आज़ाद वीज़ा, उससे आप पैसे देते हैं, वो डिमांड करता है, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपका अकाउंट खुलवाया, आपका मेडिकल करवाया, वीज़ा पेश करवाया, उसके डिफरेंट चार्जेस हैं, आपका बताका कार्ड, एमरस आईडी, ये अलग-अलग चीज़ें हैं, उसकी अलग फ़ीस आपने अपनी जेब से सारा कुछ आपने पे किया, वो आपके साथ जाता है, और ये सारा करवा के अकाउंट ओपन करवा के तो आपने हर महीने जो है वो सैलरी डालनी है। यूरोप के लिए ये कानून है कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ज़रूरी है दुबई के अंदर, 5,000 दिरहम से ऊपर अगर आपकी सैलरी है और 6 माह आपने वहाँ दुबई के अंदर स्टे किया है तो आपका यूरोप कंट्री में से किसी का भी जो है वो कंट्री का वीज़ा आपका लग जाता है। अगर आपकी 8,000 से 10,000 दिरहम तक सैलरी है तो USA, अमेरिका और लंदन और ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इनका वीज़ा आराम से लग जाता है। बैंक स्टेटमेंट 6 माह के लिए, किसी ने कैनेडा जाना है, आजकल वैसे बड़ा शौक है लोग कैनेडा जाने का, दुबई में वो आज़ाद वीज़ा ले, 6 माह वहाँ पर स्टे करे, हर महीने सैलरी टाइम पर डलवाए और निकलवाए, बैंक स्टेटमेंट ले, पासपोर्ट ले, अपनी कंपनी का NOC लेटर ले, ये तीन चीज़ें ले। आजकल एक टैक्स का थोड़ा सा इशू आ गया हुआ है, दुबई में पहले टैक्स नहीं था, अब उन्होंने पिछले तकरीबन 1.5 साल हो गया टैक्स वहाँ लग गया है, तो वो उसका एक थोड़ा सा एक इशू होता है, लेकिन आपने ये तीन चीज़ें लेनी है। अगर वो टैक्स की कॉपी मांग लें वहाँ बैसी वाले, तो आपने अपने जहाँ आपने वीज़ा लिया हुआ जिस कंपनी से, तो वो उससे कहें कि ये बैंक वाले से कह दें कि मेरा मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो बना दे, उसके ऊपर आपका टैक्स कटौती का वो पूरा लिखा होता है डाटा, तो ये चीज़ें लेके आप जाएँ अम्बेसी और अपना फाइल जमा करवाएं, तो 2 वीक्स के बाद जो आपका वीज़ा लग जाता है। और 98% लोगों के वीज़े दुबई से यूरोप के लिए, कैनेडा के लिए, अमेरिका के लिए वो लग जाते हैं दुबई से, पाकिस्तान से नहीं, दुबई से। और उसकी जो फ़ीस है वो डिफरेंट रेट्स हैं वहाँ दुबई में, आप उनके कॉन्सलेट जाके पता कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ के जो है वो आप लोग पता कर सकते हैं, तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता लगे कितनी फ़ीस है। इस वक्त मैं था, मैंने उस वक्त अप्लाई किया था, 16 की बात है तो 2016 की, तो उस वक्त 150 दिरहम लिया था उन्होंने मुझे UK का वीज़ा लगवाने के लिए, और हमारा लग गया था। 6 लड़के थे हमने,
हमने भी सेम ऐसे प्रोसेस किया था, जेन्युइन तरीके से हर चीज़ की थी। और 5,000 से ऊपर हमारी सैलरीज थी, निकलवाते थे डालते थे। दो ऑस्ट्रेलिया गए, दो यूके चले गए, एक जो है वो कैनेडा गया और एक जो है वो एक जर्मन, शायद जर्मनी था, वहाँ चला गया था। वो वीज़े लग जाते हैं, पाकिस्तान से मुश्किल है। तो जो हजरात यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप जाने ख्वाहिशमंद हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनको चाहिए पहले विजिट वीज़ा लें, फिर वहाँ जाके देखें क्या है वो काम कर सकते हैं, जो मिल सकती है, क्या प्रोसीजर है, फिर वहाँ के लीगल तरीके को अपनाएं। इलीगल ना रहे, ओवर स्टे ना रहे, वरना वापस आ जाएं। तो उनको चाहिए कि वो दुबई जाएं, उनको ये मेरा मशवरा है, वहाँ रहें 6 माह, वीज़ा जो है वो इस तरीके से अप्लाई करें जो मैंने आपको बताया है तरीका, डॉक्यूमेंट सेम आपने यही करना है। और किसी एजेंट के पास जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुद काम करें, ताकि एजेंट जो है वो ऐसे आपसे इजाफी फ़ीस फजूल में लेते रहेंगे। ये आप 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ये लें, और जाके उनके बैसियाँ कौन सा कार्य जमा करवाएं, तो आपको कॉल आ जाती है कुछ दिनों के बाद, वो बताते हैं कि हम इतने दिनों बाद आपको कॉल करेंगे। दूसरा ये इजाज़ वीज़ा का जी, दुबई के अंदर ये फ़ायदा कि आप वहाँ पर आज़ाद वीज़ा लेते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैंने लेट्स में यूरोप तो करना है, जाना आना जाना सैर के लिए, वहाँ से वीज़ा लगवाना आने के लिए। एक होता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा काम करूँ, बिज़नेस करूँ, एक आदमी के पास स्किल नहीं है कोई भी, लेट्स उसके पास कोई हुनर नहीं है उसके पास, तो वो दुबई में जावेद लेके क्या करेगा? आप खुद से भी सवाल पूछिए, वो जावेद लेके मतलब क्या करेगा, काम तो आता कोई नहीं उसको। इस तरह के हजरात क्या करते हैं कि वहाँ पर जो हॉस्टल का काम है, बेड स्पेस का, एक कमरा, एक अपार्टमेंट ले लिया, एक फ्लैट ले लिया, उसके अंदर जो है वो एक कमरे के अंदर 5-5, 4-4, 6-6 जो है वो बेड लगा लेते ऊपर नीचे। एक अपार्टमेंट अगर 2 बेडरूम का लिया उसने, तो उसके अंदर वो आराम से 12 बंदे रख सकता है। उसको महीने का अपार्टमेंट का जो किराया उसने वहाँ के ओनर को देना है, लेट्स सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका 4,000 दिरहम तय हुआ है एक महीने का किराया, तो उस हिसाब से वो बेड स्पेस अपनी देगा लोगों को, 12 बंदों में इतना डिवाइड करेगा कि उसको भी कुछ बचे प्रॉफिट, सारे खर्चे निकाल के, मेंटेनेंस के, अपना रेंट पे करके, और दीगर छोटी मोटी चीज़ों की जो हर महीने यूज़ होते रहते अपार्टमेंट के अंदर, वो सारे खर्चे निकाल के वो सोचता है कि अगर मुझे 4,000 दिरहम भी बच जाए एक फ्लैट में से, तो ये उसके लिए बेस्ट है। बैठे बैठाए कोई काम भी नहीं, 2-3 अपार्टमेंट रेंट पे ले ले और आगे इस तरह के बेड स्पेस पे दे दे, तो बड़ा अच्छा बिज़नेस भी है उन्हें दरा के लिए, जो स्किल्स उनके पास नहीं है और वो दुबई में रह के ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये उन्हें दरात के लिए भी है जो फ्रीलांस के लिए, कि वो आज़ाद वीज़ा लें, वो फ्रीलांस का काम कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कोई काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है, तो उस साथ साथ ये भी प्रॉपर्टी काम वो कर सकते हैं। ये मैंने वहाँ पर किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस, इसलिए मुझे मालूम है ये बड़ा अच्छा काम है, इसमें पैसे बच जाते हैं। ये तो कंफर्म होता है कि हर महीने जो है आपको किराया वो आ ही जाएगा। ठीक है जी, आगे अरशद साहब हैं जी, ये हैं शेखुपुरा से, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आज़ाद वीज़ा पाकिस्तान से कितने पैसे लगते हैं, आज़ाद वीज़ा के कितने पैसे लगते हैं पाकिस्तान में। मैंने जैसे कि पहले बताया कि अरशद साहब के 2.5 से 3 लाख जो है वो रुपए पाकिस्तानी रुपयों में आज़ाद वीज़ा मिल जाता है यहाँ पर। एजेंट अपने वो ऊपर नीचे रखे प्रॉफिट तो आपको ये दिलवा देते हैं। फिर पूछते हैं जी कि आज़ाद वीज़ा में कितनी सैलरी, एक साहब ने पूछा जी कि कितनी सैलरी डलवानी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है जितनी आप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने आगे यूरोप मूव करना है, तो आपको 5 से 10 हज़ार दिरहम के दरमियान आपको हर महीने सैलरी जो है वो शो करवानी पड़ेगी, और क्लोजिंग बैलेंस आपने इतना अच्छा रखना है कि पाकिस्तानी रुपयों में वो आप अंदाज़ा लगाएं इस तरह के 8 से 10 लाख का हो जाए क्लोजिंग बैलेंस। वैसे सैलरी आपने इस तरह 5 से 10 हज़ार दिरहम के दरमियान हर महीने आपने जितनी भी फिक्स आपने एक रखनी है, तो वो हर महीने निकलवाएं डलवाएं, क्लोजिंग बैलेंस आपका पाकिस्तानी रुपयों में 8 लाख तो कम से कम यार सिंगल बंदे का होना चाहिए जिसने यूरोप जाना है। ठीक, तो उस हिसाब से वो दिरहम कन्वर्ट करवा लेना, 8 लाख कितने दिरहम बनते हैं उतनी क्लोजिंग बैलेंस। आगे जी, एक हमारी बहन है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आज़ाद वीज़ा में हम क्या कोई और काम कर सकते हैं? नहीं जी, आज़ाद वीज़ा में आप कोई और काम नहीं कर सकते।
आपको काम करना है तो उसके लिए फिर आपको NOC लेटर लेना पड़ेगा जिस कंपनी से आपने ज़ाद वीज़ा लिया है, मतलब आपने ज़ाद वीज़ा लिया है लेट्स सपोज, तो आप कोई काम नहीं कर रहे वहाँ पर, आप सिर्फ स्टे पर्पज़ के लिए लिया हुआ है, पाकिस्तान आ रहे हैं, अपनी कंट्री में जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, इस तरह का काम, यानी आपको वो एक कार्ड दे देते हैं, एमरस ID आपकी, बताका कार्ड, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा पेस्ट हुआ हुआ आपका, स्टेटस का वीज़ा जो भी आपने लिया हुआ है, तो ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए आपने वो सारा किया हुआ है। ठीक, एक होता है कि आप आज़ाद वीज़े के ऊपर जो है वो ऐसे ही किसी भी जगह काम कर ले, लेट्स सपोज आप वीज़ा लिया है और आपको कोई काम अच्छा लगा, यार मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ, तो आप वो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अब जिस कंपनी से आपने आज़ाद वीज़ा लिया है तो आपको वहाँ का NOC लेटर जो है वो लेना पड़ेगा। अब ये अज़ान पीछे शुरू हुई है, तो अज़ान जैसे ही मुकम्मल होती है तो मैं आगे बात को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। जी, अज़ान कम्प्लीट होगी तो आगे मैं क्वेश्चन जो है वो बताता हूँ। किसने पूछा है आज़ाद वीज़ा और फ्रीलांस जो है अभी क्या ये एक ही चीज़ है? नहीं साहब, ये आज़ाद वीज़ा और फ्रीलांस जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रीलांस एक वर्क परमिट है, आज़ाद वीज़ा एक और चीज़ है। ठीक, टैक्सी ड्राइवर की जॉब कैसी है दुबई के अंदर? एक साहब ने पूछा है, इनका नाम है जी असलम साहब है, इन्होंने पूछा कि टैक्सी ड्राइवर की जॉब कैसी है दुबई के अंदर? काफ़ी अच्छी है जी, बहुत बेहतरीन है। जो हजरात यानी कि उनको लगता है कि दुबई में चूँकि गर्मी बहुत है और वो लगता है कि यार वो मतलब लेबर सेंस में आप समझ लें कि वो काम नहीं कर सकते, गर्मी की वजह से उन पर असर है, और उनके पास अगर कुछ स्किल है यानी कि ड्राइविंग का उनके पास हुनर है और लाइसेंस है उनके पास। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ चीज़। ड्राइविंग के अंदर लाइसेंस का सिस्टम पाकिस्तान से टोटल डिफरेंट है। आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है कंप्यूटराइज, और उसको 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। गाड़ी आप चलाते हैं नहीं चलाते वो लहदा इशू है, 5 साल आपको कंप्यूटराइज लाइसेंस आपके पास है और वो आपके पास पड़ा हुआ है। तो दुबई के अंदर जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप वो पहले वो क्लासें लेनी पड़ती हैं, 40 क्लासें होती हैं उनकी, हर रोज़ के हिसाब से या 15-10 दिन के हिसाब से वो फ़ीस तय कर लेते हैं कि वो पे करनी होती है आपने। उसमें से क्या होता है, अगर आप कहे जी मैं पहले ही पाकिस्तान में ड्राइवर हूँ, मेरे पास ये कंप्यूटर लाइसेंस है और 5 साल इसको पूरे हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं 40 से फिर 20 क्लासें कर देते हैं और फिर आधी फ़ीस आपसे वो लेते हैं। ये थोड़ा सा आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक जी, टैक्सी ड्राइवर के वो कहते हैं लाइसेंस के लिए पूछा किसी ने कि फ़ाइल जो है उसकी जो ओपन करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग के लिए, तो कितना उसका चार्ज करते हैं? इसके डिफरेंट होते हैं जी। सबसे अच्छा जो है वो आपको 5,000 दिरहम जो है वो उसके स्टार्ट लगता है, 4,000 में भी हो जाता है, 3,500 में भी हो जाता है, डिफरेंट कंपनीज हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी जो जेब आपकी इजाज़त देती है तो आप उसके हिसाब से जो है वो किसी भी कंपनी को हायर कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। एक साहब ने पूछा जी कि फील्ड सिस्टम क्या है दुबई के अंदर, ये कैसा है? अच्छा, तमाम अरब मालिक में कफील सिस्टम जो है वो चलता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है अभी रिसेंटली जो है कतर के अंदर उन्होंने कफील सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, ये 6 माह पहले उसको वो जमहूरी तर्ज के ऊपर जो है वहाँ लेबर का पूरा सिस्टम जो है वहाँ लाया जा रहा है, लेकिन बाकी तमाम अरब मालिक के अंदर कफील सिस्टम है। कफील सिस्टम क्या है? कफील सिस्टम ये है कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया से, किसी भी कंट्री से दुबई जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो अरबी जो है आपका जो ऑनर है वो आपका पहले पासपोर्ट रख लेता है, वीज़ा तो आपको वो इशू करवा देते हैं, ठीक, पासपोर्ट जो है वो अपने पास रखता है। कफील का मतलब कफालत, कफालत से निकला यानी कि वो आपकी कफालत करता है। कोई इशू आपका, आपको कंपनी के अंदर कोई मसला आ रहा है, आपका मेडिकल का कोई इशू आ रहा है, आपका कोई लाइसेंस का इशू आ रहा है, आपका कोई वीज़े का इशू आ रहा है, तो उस में कफील जो है वो आपके साथ जाता है और आपकी हेल्प करवाता है, इस हद तक वो ठीक है। दुबई के किसी ने पूछा जी कि दुबई के कफील कैसे हैं? दुबई के कफील बाकी तमाम अरब ममालिक से हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। सऊदीया के जो कफील हैं वो बहुत सख्त तबीयत के हैं और उनका मिजाज बहुत अखड़ापन है उनका, वो ज़रा कोऑपरेट नहीं करते लेबर के साथ, बल्कि उनको निचले दर्जे का शहरी समझते हैं जो सऊदीया के। लेकिन जो दुबई के कफील हैं वो ज़रा ठंडे मिजाज के हैं, वो पैसे नहीं किसी के दबा लेते लेबर के, वो टाइम पर पूरे पैसे देते हैं,
उनको अगर कोई एमरजेंसी मसला हो जाता है, अपने कंट्री वापस जाना हो, तो वो उसके लिए पासपोर्ट को वापस कर देते हैं। लेट्स सपोज किसी कफील ने ख़ुद दुबई से बाहर किसी और कंट्री में जाना हो किसी भी काम से, विज़िट के लिए, फैमिली के साथ, बिज़नेस के बाद, तो वो जाता हुआ जितने भी उसके पासपोर्ट जहाँ रखे होते हैं अपने, जो उसका सेक्रेटरी होता है या मैनेजर होता है उसको बता के जाता है कि किसी ने अगर एमरजेंसी जाना हो वापस तो पासपोर्ट यहाँ पड़े, आप उसको दे दें। ठीक, दुबई के अरबी जो है वो बाकी अरब कंट्री की नस्बत वो ज़रा अच्छे हैं, लेकिन कफील सिस्टम को मैं ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता। ये ज़रा ग़ुलामी टाइप सिस्टम है तो इसको मैं पसंद नहीं करता। वो कहते हैं जी कि अगला सवाल है जी, फ्लैट रेंट का क्या काम कैसा है? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फ़्लैट रेंट का काम काफ़ी अच्छा है। अपार्टमेंट लेते हैं, फ़्लैट लेते हैं, बेड स्पेस और लगाएँ और जो है वो ऐड दें, वहाँ पर लोग रब्ता करते हैं और काफ़ी सारा इसमें अच्छा सा प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। इन दिनों चूँकि कोरोना है, लेबर ज़रा कम है वहाँ पर, तो जैसे ही ये हालात वहाँ ठीक होंगे तो ये काम बहुत अच्छा वहाँ पर चल सकता है। एक सवाल पूछे जी, एक हमारी बहन है तस्नीम, दुबई में तलीम का क्या सिस्टम है? दुबई में जो तलीम का सिस्टम वो जी सीधी सीधी सी बात है, बहुत महंगा है। वहाँ पर स्कूल सिस्टम खाली आप चेक करें उनकी इतनी ज़्यादा फीसें हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बहुत महंगी है ना। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है दुबई के अंदर किसी अच्छे से स्कूल में अगर वो पढ़ रहा है तो पाकिस्तानी रुपयों में उसकी आप मंथली फ़ीस 1,00,000 के करीब करीब जो है वो सोच के रखें। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उससे अच्छे स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी उनकी कितनी फ़ीसें होंगी। तो सिस्टम भाई उनका तलीम का तो अच्छा है, लेकिन उनकी तलीम काफ़ी महंगी है। अपने अरबी लोगों के लिए तो वहाँ फ्री है, सस्ता हर चीज़ है, लेकिन जो फॉरेनर हैं पढ़ना चाहते हैं दुबई के अंदर तो उनके लिए बहुत महंगा है। अव्वल तो मैंने वहाँ जितना सारा हूँ मैंने बहुत ही कम लोगों को वहाँ पर पढ़ते हुए स्टूडेंट वीज़े को पढ़ाते देखा है। ज़्यादातर तो लोग जॉब वर्क परमिट या बिज़नेस के लिए आते हैं, तलीम के लिए तो बहुत ही कम लोग दुबई में आते हैं। अगला सवाल पूछा है जी, फातिमा हमारी बहन है, उन्हें पूछा है मेडिकल का क्या सिस्टम है दुबई के अंदर, मेडिकल के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो जी बहन, मेडिकल का सिस्टम है ये आपको बता रहा हूँ कि बहुत महंगी है। मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मेरे साथ ज़ाती ये वाकया हुआ कि मुझे मेरा गला ख़राब हो गया, वो पेप्सी बोतल वगैरह पी, कैचअप पिज़्ज़ा के साथ खा ली, तो दो दिन ऐसा चलता रहा तो मेरा गला ख़राब हो गया, उससे मुझे सब बुखार हो गया। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर साहब जब अपॉइंटमेंट ली तो जैसे हमारे वो पहले जी पर्ची आप बनाएं बाहर तो फीस वगैरह पे करें और वेट करें अपने नंबर का, तो पर्ची बनवाने गए तो मुझसे डॉक्टर ने जो का बाहर बैठा होता है आदमी रिसेप्शन के ऊपर, उसने कहा जी कि 600 दिरहम फीस है तो पे करें और डॉक्टर साहब को चेक करवाएँ। तो मैंने कहा जी अभी तो पैसे कम है तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। ये मैं अपना वाकई सुना जो मेरे साथ हुआ, मैं बाहर आया तो अब मैं सोचूं यार इतना महंगा। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई टिकट का पता करो दुबई से पाकिस्तान की जो टिकट है एयर बिलू की उसका क्या रेट चल रहा है। उसने मुझे 10 मिनट के बाद बताया जी कि 380 दिरहम ले रहे हैं दुबई से पाकिस्तान जो उसकी फ़्लाइट एयर बिलू की उसका रेट है। मैं घर आया, मैंने कहा जी आप टिकट जब बुक करवाएँ, तो सुबह तकरीबन 10:30 का टाइम होगा तो मैं डॉक्टर पास गया था तो उसने मुझे बताया 11 बजे मैंने अपने दोस्त को कह दिया जी आप टिकट बुक करवाएं, तो मुझे 3:30 की दोपहर की टिकट फिर मिल गई थी उसी दिन ही, और मैं टिकट 380 दिरहम पे किए और मैं पाकिस्तान जो है वो वापस आ गया। तो पाकिस्तान आया तो मैंने यहाँ पर आके, हमारा डॉक्टर इधर बैठता है मोहल्ले में, उसको मैंने 200 रुपये फ़ीस दी और अपना गला जो है वो चेक करवा लिया। इससे आप पता लगाए कितनी महंगी है उनकी मेडिकल। ठीक, उस आगे जी दुबई में रहायश कहाँ हासिल करें? तो मेरे हिसाब से जो डेरा दुबई का इलाका है वो सबसे बेस्ट है। आप डेरा दुबई का इलाका, एक तो सस्ता है, एक तो वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रेंट जो है वो बाकी यूए के जो जितने भी इलाके हैं रहायश पे उनकी नस्बत सस्ता पड़ जाता है। वहाँ पर एक तो गैदरिंग ज़्यादा होती है, छोटे मोटे वहाँ पर होटल बने हुए हैं, खाना ज़रा सस्ता मिल जाता है। तो आपको मेरा मशवरा है कि वहीं पर आप डेरा के इलाके में रहायश जो है वो अख्तियार करें। कहते हैं जी कि आगे पूछते हैं जी डूबी सेल क्या चीज़ है। मैंने अपनी वीडियो भी रिसेंटली अपलोड की थी डूबी सेल के हवाले से,
असल में ये एक वेबसाइट है दुबई के अंदर, जिसको भी जॉब चाहिए होती है अपने प्रोफेशन के हिसाब से, जिसके पास जो स्किल है, तो वो ऑनलाइन अब वो डुबी से लिखे गूगल के अंदर या प्ले स्टोर के ज़रिए वो ऐप इंस्टॉल कर सकता है। तो वो उसको देखें, गूगल के ऊपर लिखें तो वो पूरा पेज खुल जाता है। उसमें डिफरेंट अब डिपार्टमेंट के हवाले से जॉब डेली बेस के ऊपर आ रही होती हैं, जो आपको पसंद है यानी कि आप जॉब करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। उसके अंदर आपके वो डिमांड्स होती हैं, जी ये जी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप ऑनलाइन जो है हमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा फ़ायदा नए हज़रा के लिए जो दुबई जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता जॉब ढूंढने का तरीका, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो डूबी सेल वेबसाइट के ऊपर जाएँ डेली बेस के ऊपर, वहाँ पर जॉब आती रहती हैं, उसमें अपनी CV अपनी वो अप्लाई, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स आप पूछते हैं उसके प्रोफेशनल क्लास से वो आप लिखें, तो वो आपको तकरीबन 80% चांस होते हैं कि आपको डिविजल के थ्रू जॉब इजीली मिल सकती है, आपको मिल भी जाती है। अच्छा जी, आगे पूछा जी किसी ने कि दुबई में क्राइम रेशो क्या है। भाई मेरे, दुबई में क्राइम रेशो बहुत कम है, इसलिए तो इंटरनेशनल इसको मार्केट कहा जाता है, और मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनीज़ हैं वो दुबई के अंदर आती हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। कोई मुल्क के शहरी को पागल थोड़ी है कोई कि बिजनेसमैन उठा और दुबई के अंदर आ गया और इतना सारा उसने बिलियन डॉलर्स या कोई जितने भी उसके पास अमाउंट है हैवी किस्म की वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसी मुल्क में ज़ाहिर बात है लोग इन्वेस्ट करेंगे जो उसको लगता है कि ये सेफ है, महफूज है, क्राइम यहाँ पर नहीं होते, उसका पैसा या उसके साथ कोई क्राइम जो है नहीं किया जाएगा। ठीक, होता है हर मुल्क में, होता है दुबई में भी होता है, लेकिन बहुत कम है, माइनर सा 4-5% है, बाकी वहाँ पर क्राइम रेशो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर है। एक बहन ने हमारी पूछा है कि औरतों के लिए दुबई क्या महफूज मुल्क है। जी बिल्कुल महफूज मुल्क है, दुबई में मर्दों से ज़्यादा औरतें सिक्योर है। आप रात के 1:30 से लेकर 2 बजे, 2 से 3, 4, 5 जब भी आप सड़कों पर जाएं, अगर फीमेल अकेली जा रही है तो किसी की जरूरत नहीं है कि उसकी तरफ़ जो है वो आँख उठा लें या उसको कोई तंग करे, कोई बदतमीज़ी का मुजाहरा करे, कोई उसको आवाज़ रख, कुछ भी नहीं, किसी की वहाँ जरूरत नहीं है। और अगर लेट्स सपोज किसी ने किया और किसी फीमेल ने वहाँ कॉल कर दिया पुलिस को, तो 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है। हमारी पुलिस की तरह नहीं, 2-3 घंटे के बाद 2 मिनट से 3 मिनट मैक्सिमम पुलिस वहाँ पर आ जाती है। जगह जगह उन्होंने पुलिस के नंबर लगाए होते हैं, जी आप कॉल कर सकते हैं, कोई मसला तो आप कॉल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने टूरिस्ट जो उनके मुल्क में आते हैं उनकी सहूलत के लिए ये उन्होंने रखा लिखा होता है हर जगह कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर लेट्स वो किसी ने किसी फीमेल के साथ बदतमीजी की है तो वो कॉल करती है, उसको वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अगर कोई सीरियस किस्म का केस है यानी कि ज़्यादा उसने बदतमीजी की है तो उसको वो डीपोर्ट कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर दुबई में जो है फीमेल काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं। बैंक की जॉब आसानी से क्या मिल जाती है, एक सवाल है जी, बैंक की जॉब क्या आसानी से मिल जाती है। जी नहीं, दुबई में बैंक की जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। सेल्स की तो मिल जाती है आसानी से, वो जलाद वाला साहब है, गर्मी में जलील होते फिरे, उस उधर जाएं उधर जाएं काम पकड़े जी। ठीक, उसमें भी आपको सिफारिश चाहिए होती है, एक तो आपका अपने मुल्क का जो है वो उसमें आपका प्रोफेशनल आपका एक एक्सपीरियंस, आपका आपकी डिग्रीज, उसके अलावा आपको इंग्लिश बड़ी अच्छी आनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। जो बैंक और मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं या फ्रीलांस का काम करना चाह रहे हैं दुबई के अंदर, उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, सिफारिशें तो मिल जाती है बैंक की जो, वैसे मैडे पे भी मिल जाती है, ऐसी भी बात नहीं है कि हर चीज़ में सिफारिश, लेकिन चूँकि वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो बड़ा वो एक कंपटीशन सीन हो जाता है, इसलिए वहाँ पर सिफारिश जो है वो चलती है। कहते हैं जी दुबई में अरबी के अलावा कोई और ज़बान भी चलती है, एक बहन ने मेरा सवाल मुझसे किया है। जी अरबी के अलावा वहाँ पर जो दूसरी ज़ुबान है आप समझें कि उर्दू या हिंदी से कह लें आप, वो चलती है, इंग्लिश भी वहाँ पर चलती है, अरबी तो उनकी है ही, वो चलती चलती है, लेकिन उसके अलावा जो अरबी लोग हैं उनको उर्दू भी आती है और उनको इंग्लिश भी आती है। हमारी उर्दू को वो लोग हिंदी ही कह रहे होते हैं और हम लोगों को पता होता है कि ये उर्दू है, और इंडियंस के लोगों को भी पता है कि ये उर्दू है, सेम है हिंदी उर्दू, बोलने में सेम है, लिखने में लादा है, लेकिन अरबी उसको हिंदी ही कहते हैं, सब ये हिंदी बोल रहे हैं सारे। तो अरबी के अलावा वहाँ इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, ये लैंग्वेज हैं, ये चलती हैं। एक साहब ने पूछा जी लेबर का काम कैसा है। तो जी लेबर का काम मुझसे पूछे तो बहुत ही बुरा है दुबई के अंदर, सलालत वाला काम है, ये तो गर्मी ऊपर से इनकी सैलरीज बड़ी थोड़ी होती हैं, फिर एक कमरे में उन्होंने 20-20 बंदे ठूंसे होते हैं, एक वाशरूम होता है इनका, अगर कोई बीमार भी हो जाए तो इनको ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं करवाई जाती इन लोगों की, ज़्यादा किया जाता है इनको पाकिस्तान वापस भेज देते हैं या उनके कंट्री जहाँ से कोई आता है उसको वहाँ पर भेज देते हैं।
मेरा ज़ाती मशवरा है कि दुबई में लेबर में कोई भी बंदा जॉब ना करे, ठीक, अपने मुल्क में रह ले यार, 25-30 हज़ार में गुजारा कर ले। इससे ज़्यादा अगर आप 25-30 हज़ार पाकिस्तान में ले रहे हैं ना, कहीं से भी आप कमा रहे हैं, तो आपको दुबई जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे सवाल पूछा जी, नेशनैलिटी दुबई में मिल जाती है? ये मैं क्लियर करता चलूँ उन हज़रात को जो जहन में ये कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए हैं कि अरबी में दुबई के अंदर जो है, सॉरी, दुबई के अंदर नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट, भाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पूरे तमाम अरब कंट्रीज़ के अंदर कोई नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इमिग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पीआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर वो लोग किसी को भी नेशनलिटी नहीं देते, उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हम अरबी हैं और बाकी हमारे अलावा जो भी हैं वो अजमी हैं, और उसके हमारे अंदर वो इमर्जन कहीं हो जाए, इस लिहाज से वो किसी को भी नेशनलिटी नहीं देते। आगे सवाल पूछे थी, दुबई कोर्ट यानी कि उनकी जो लेबर कोर्ट है, उनकी अदालतें हैं, वो उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक भाई ने पूछा क्वेश्चन, भाई बहुत अच्छा है, मेरे साथ ज़्यादा दो एक्सपीरियंस हुए हैं, मैंने वहाँ दो आदमियों की हेल्प करवाई थी, तो मैं वहाँ पर एक अजनबी हूँ, मेरी वहाँ सब ने बात सुनी। एक इंडिया का लड़का था दिल्ली का, आकाश उसका नाम था, अगर वो मेरी वीडियो ये देख ले तो उसको शायद याद भी आ जाए और वो कमेंट में भी कर देगा। एक और लड़का था नरेश, वो बॉम्बे का था, वो बेचारे दोनों फंस गए थे, उनका कोई क्लैश था ऑफिस के अंदर, वो वीज़ा कैसे करवाना चाह रहे थे तो पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस तरह का कोई सीन चल रहा था। ये कुछ 4-5 साल पुरानी बात है, मुझे थोड़ा सा याद है। तो उनके मैंने दुबई लेबर कोर्ट जो है, दुबई लेबर कोर्ट जो है, वहाँ उनके उनका केस हल करवाया। वकील वहाँ आसानी से मिल जाता है, और इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू बोलने वाले मिल जाते हैं, आप वहाँ पर जो है वो उनको सारा केस बताएं, वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। इवन के वो कफील को भी अदालत के अंदर बुला लेते हैं जज जो है, और उनका ये हमारी तरह नहीं डेट्स पे तारीख पे तारीख, ना ना ना, ऑन द स्पॉट वो आपका फ़ैसला करके देते हैं। लेट्स वो कुछ थोड़ा सा सीरियस केस है तो उसमें वो 2 से 3 डेट्स देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अमूमा होता है कि 2 से 3 डेट्स में वो केस फारग कर देते हैं, और ये नहीं कि एक तरीके दिया तो अगले दूसरे महीने, ऐसा नहीं है, उसी हफ्ते के अंदर। एक साहब ने पूछा जी, वहाँ की पुलिस का क्या सिस्टम है, क्या हमारी पाकिस्तानी पुलिस की तरह है? नहीं भाई, सारे मुल्क इतने भी ख़राब नहीं हैं, हमारी पुलिस का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। दुबई की पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन सख्त मिजाज हैं, वो इसलिए होते हैं कि ताकि लोग खराब बिगड़े ना, ख़राबी ना करें। आप उनसे कोई रास्ता पूछते हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई तंग करता है, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक। अगर आप वहाँ पर इलीगल काम करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं, ओवर स्टे हैं, तो फिर वो आपको बड़ी सख्ती करते हैं। अगर आप लीगल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पैसे नहीं लेते, रिश्वत नहीं वो लेते। अगर आप उनको ऑफ़र करें तो वो आपको पकड़ के फिर अंदर भी दे देते हैं, हमारी पुलिस की तरह नहीं, लाओ जी और ले आओ, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे दुबई के हवाले से आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील के साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि तकरीबन 10-12 दिन के या 15 दिन के बाद जितने भी क्वेश्चन आए मैं इकट्ठा करके उनके आंसर जो है वो दे दिया करूंगा। एक मुझसे साहब ने पूछा जी अज़रबैजान के हवाले से कि हमें थोड़ा सा अज़रबैजान का बता दें। अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अज़रबैजान की कोई वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की, तो मैं चले फिर भी तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए थे उनके, तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है वो अज़रबैजान के हवाले से बता भी दूँ। तो जो सिंगल उसकी फ़ीस है वो 5,000 जो है वो 5,000 पाकिस्तानी रुपए, पाकिस्तानी जो पा मैंने ये लिख लिया हुआ था अपने पास। अज़रबैजान की जो फ़ीस है पाकिस्तानी रुपये में एक महीना का विजिट वीज़ा पाकिस्तानी रुपये में 5,000 रुपये है। एजेंट यहाँ पर क्या करते हैं, कोई लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 1.25 लाख, कोई 80,000, कोई 70-50 से नीचे तो कोई भी नहीं आता। इन्होंने तो छुड़ियाँ पकड़ी हैं एजेंटों ने, और लूटते हैं लोगों को बेताशा। 3 दिन में आपने वीज़ा लेना है अज़रबैजान का, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तो 5,000 रुपये में। अगर आपने अर्जेंट लेना है, एक ही दिन में वीज़ा निकलवाना है आपने, और उसी दिन ही आपने जाना है, यानी कि आपको फ़्लाइट अवेलेबल है और आप उसी दिन जाना चाह रहे हैं, तो 3 घंटे में जो है वो अज़रबैजान का विजिट वीज़ा आ जाता है एक महीने का। उसकी फ़ीस लेता है वो पाकिस्तानी रुपयों में जो है वो 9 से 10 हज़ार के दरमियान है, चूँकि डॉलर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मैं इसलिए आपको करीब करीब जो है वो रेशो बता देता हूँ। 9 से 10 हज़ार में अर्जेंट अज़रबैजान का एक महीने का विजिट वीज़ा 3 घंटे में आ जाता है।
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे लैपटॉप अपना निकालें, नेट है तो गूगल पे जाएं, वहाँ उनकी वेबसाइट मिल जाती है आज़रबाइजान वीज़ा सर्विस के हवाले से, वो एक पेज ओपन करते हैं, आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपकी आईडी, आपका पासपोर्ट नंबर, आपने वहाँ पर किस पर्पज़ से जा रहे हैं वो सारा मेंशन करना है, ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके हवाले से इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जहाँ आप रहते हैं उसका एड्रेस है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन वो और होते हैं तो वो आपको, आपके पास क्रेडिट कार्ड, ये मैं आपको बता दूं क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड होगा तो वहीं से आप वो उसका क्रेडिट कार्ड का आपने पिन अंदर लिखना है, उससे वो आपके पैसे की कटौती वो ऑनलाइन ही कर लेते हैं, फिर आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे में वसूल हो गए हैं, आपके वीज़ा फ़ीस जब वो जमा हो गई है। क्रेडिट कार्ड लोगों के पास नहीं होता ज़्यादातर, तो उसका क्या हाल है, सीधा सा हाल है, जो आपका जाने वाला है बैंक वाले हजरात से रब्ता करें, इन लोगों के काफ़ी लिंक्स होते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड होता है, यार आप फीस पे कर दें उतने पैसे मैं आपको दे देता हूँ, सिंपल सा इसका मेथड है। किसी ट्रैवल एजेंट के पास ना जाएंगे तो आपसे लाख से ऊपर वो घेर लेगा विजिट वीज़े के। फिर कहते हैं जी उसकी टिकट के बारे में, किसी ने पूछा आज़रबाइजान की टिकट के बारे में बता दें क्या रेट है, तो विद वीज़ा 1.25 लाख तक आप जो है वो जहन में रखें, और आपने थोड़ा स्टे करके यानी कि वीज़े के कुछ दिन के बाद जाना है तो 80 से 85 हज़ार के दरमियान आप जो है वो उसकी अमाउंट जहन में रखें। कहते हैं एक सवाल पूछा जी आज़रबाइजान में जॉब का क्या सीन है, भाई आज़रबाइजान में कोई जॉब का सीन नहीं है, मैं वहाँ पर एक महीना रहा हूँ, मैं विजिट पर गया था, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मैंने वीडियोस देखी थी, जेंट्स जो हैं वो जी ये हो गया है, लोग दुबई छोड़ छोड़ के आज़रबाइजान के शहर बाकू में क्यों आ रहे हैं, माला माल डॉलर फलाना, मैं क्या चेक तो करूँ ये है क्या वहाँ। मैं अपने वालिद साहब और मेरी वालदा उनके साथ मैं गया और एक महीना मैं वहाँ रहा, मैंने सारा सर्च किया, बिल्कुल झूठ, कुछ भी नहीं, कोई जॉब नहीं आज़रबाइजान में, जो अजरी लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो पाकिस्तानी को किधर से जॉब देंगे, या इंडियंस को या बांग्लादेशी या अफगानियों को। पाकिस्तानी एजेंट्स जो हैं ये वहाँ झूठ बोलते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनको वो बड़े पुरकश मकाम दिखाते हैं, बच्चों कहते हैं जी हमसे रब्ता करें, वीसा आपको देते हैं, डॉलरों में फ़ीस उनसे चार्ज करते हैं, शर्म नहीं आती इनको बेशर्मों को, और फिर वहाँ भी जाके लूटते हैं, हम आपका TRC कार्ड बनवा देंगे, इतने $2000 दे दें, $1500 दे दें। मैं कुछ दिनों के बाद एक वीडियो बनाऊंगा आज़रबाइजान के डिटेल के हवाले से अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर ताकि आप लोग को समझ आ जाएगी, मैं सिर्फ रफली थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आज़रबाइजान का जो TRC कार्ड है टेम्प्ररी रेजिडेंस कार्ड वहाँ पर रहने के लिए एक साल का, वो 350 उनकी जो करेंसी उसका नाम मनात है, तो उनके 350 रुपये में वो बन जाता है, वो जो पाकिस्तानी अगर 92 रुपये है ना 92 रुपीज़ तो उनका वो 1 रुपया बन जाता है अजरी मनात का, तो 350 से आप ज़रब लगा रहे थे 20,000 के करीब बनता है, कहाँ आप $1500 $2000 देंगे, ये झूठ बोल के जो है वो पैसे वहाँ बठोड़ते हैं उनसे, ठीक। तो आप वहाँ पर ख़ुद भी TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप वहाँ की पहले इमिग्रेशन ऑफिस जाएँ, किसी वहाँ पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आपने क्या करना है कि किसी भी हजरात वहाँ पर फिर घूम फिर रहे होते हैं तो टैक्सी ड्राइवर आपने ढूंढना है या बस अड्डे वाले हैं वहाँ पर जाना है तो उनसे कहना है कि इमिग्रेशन ऑफिस, वो समझ जाते हैं कि इसने किधर जाना है, ठीक। अब तो गूगल ट्रांसलेट आ गया, मोबाइल के ऊपर लिखें ऐसे बोल के और उसको सुना दें या दिखा दें उसको तो वो आपको वहाँ ले जाएगा। इमिग्रेशन ऑफिस में ये होता है कि वहाँ इंग्लिश बोले वाले मिल जाते हैं, आप वहाँ पर जाएँ और उनको बताएँ कि जी हमने TRC कार्ड करना है तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपको वो एक पेज देते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, आप कहिए जी ये तो अजरी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक, वो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट के बता दें उसको तो वो समझ, वो आपको फिर इंग्लिश में वो आपको पेज देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें जो है वो चाहिए, आप हमें प्रोवाइड कर दें तो हम आपका TRC कार्ड के लिए जो है वो सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर देंगे। उसमें आपका एग्रीमेंट घर का चाहिए होता है, अपार्टमेंट जो लिया होता है, अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको हॉस्टल के किराए का एग्रीमेंट जो अपने मालिक के साथ वो वहाँ पर ले जाना होता है, आपका वीज़ा जो आप लेकर गए हैं वहाँ पर वो आपको चाहिए होता है, अपना पासपोर्ट आपने लेना होता है, फिर आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करानी, 7 दिन के अंदर अंदर आपने एंटर हुए हैं आज़रबाइजान के शहर बाकू में तो अपनी रजिस्ट्रेशन इमिग्रेशन ऑफिस से ही करवानी है, 7 से दिन ऊपर गए तो आप वहाँ पर ओवरस्टे तसव्वुर किया जाएंगे, उनका एक अपना लॉ है, ये मेरा पॉइंट याद रखिएगा। किसने पूछा जी कि आज़रबाइजान में सैलरी का क्या हिसाब है, जी सैलरी तो वहाँ मैक्सिमम जो सैलरी है सबसे अच्छी सैलरी वो 350 से लेके 450 मना तक है, 450 मना से ऊपर 1 रुपया नहीं है, वो भी वहाँ के जो टॉप लेवल के डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रोफेसर उनकी मैं बता रहा हूँ, 350 से 450 मना सैलरी है उनकी, ठीक। बिज़नेस हवाले से पूछा जी एक साहब ने, तो बिज़नेस बाकू में जी कोई नहीं है, वहाँ पर
सिर्फ आज ये समझ लें कि आज़रबाईजान अदरी लोगों के लिए है, वहाँ फॉरनर के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ कोई बिज़नेस नहीं है, सिर्फ अदरी लोग बिज़नेस करते हैं। उसकी रीज़न है लैंग्वेज, वहाँ वो इंग्लिश नहीं बोलते। अभी फिर अजान हो रही है तो मैं उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। जी, अजान के बाद मैं इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आपको आंसर के दे दी उन हजरात जिन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, सो मैंने थोड़ा सा एडिशन कर लिया। आज़रबाईजान के हवाले से कुछ क्वेश्चन आए थे, मैंने इस वीडियो में वो भी ऐड कर लिए। उम्मीद है कि आप मेरे इस आंसर, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन उनके आंसर दिए हैं, तो आप मुतमिन होंगे, आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ज़रा थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये हर महीने मैं एक सेशन रखूँगा जिसमें क्वेश्चन के आंसर जो है वो तफसील के साथ वो मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चैनल को तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को प्यार से प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।